नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि प्रभु बाइबिल के द्वारा हमारे जीवन में किन छह बातों से बैर करता है और घृणा रखता है। दोस्तों, आज उन्हीं के क्योंकि दोस्तों बाइबिल के वचनों में लिखा है प्रभु किन छह बातों से बैर करता है और घृणा करता है हमारे जीवन में। उन सारी गलतियों को हम ना करें, इसलिए इस वचन को हम जानेंगे अपने जीवन में ताकि हम उन सभी गलतियों को ना करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम इसी तरह के प्रभु के वचन के साथ आते रहते हैं। प्रभु जो छह बातों से घमंड करता है, वो पहला है घमंड भरी आंखें। हमको किसी से कोई घमंड नहीं करना है, चाहे जो कुछ है मेरे पास वो प्रभु की आशीष है और प्रभु की आशीष पे हम घमंड नहीं कर सकते। प्रभु के वरदान है, जो कुछ भी हमारे जीवन में पाए हैं हम या मेरे पास है, उन सभी चीज़ों को प्रभु ने दिया है। इसलिए हमें कोई चीज़ पे घमंड नहीं करना है, क्योंकि हम अपने आप उसे कहीं से ला नहीं सकते। वो प्रभु की दया की वजह से या प्रभु की इच्छा से हमें मिला है। इसलिए दूसरों की चीज़ों पर घमंड करने से क्या फ़ायदा। इसलिए हम किसी चीज़ पे घमंड ना करें या हम किसी को घमंड से ना देखें कि मेरे पास बहुत सारा धन है, उसके पास कुछ नहीं। आप एक समान सबों को प्यार करें, गरीब रहे या अमीर, बीमार रहे या कुछ दुख भरे में, कोई भी समस्या में कोई भी रहे, उसके साथ एक समान व्यवहार करना है। अपने घमंड भरी आंखें उसको नहीं दिखाना है। और दूसरा है झूठ बोलने वाले जीवन, मतलब जो झूठ बोलता है प्रभु उनसे सख्त नफरत करता है। वो अपनी छोटी सी चीज़ों के लिए झूठ बोल के वो चीज़ें हासिल कर लेता है। ऐसा नहीं करना है। अगर चाहे बड़ी से बड़ी चीज़ें क्यों ना हमको लाभ हो, झूठ बोल के हम उस चीज़ को पा सकते हैं, लेकिन हमको झूठ नहीं बोलना है। भले वो चीज़ें मेरे यहाँ से निकल के चली जाए, लेकिन हमको झूठ नहीं बोलना है। प्रभु हर वक्त हर समय हमारे सारी चीज़ों को देखता है, हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं। प्रभु हमारी सारी परेशानियों को जानता है, हमें क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों को प्रभु जानता है। तो वो भी जानता है कि हम किस चीज़ को पाने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं करना, अगर हम झूठ बोलते हैं तो वो चीज़ें पा के भी हम खुश रह नहीं सकते, क्योंकि प्रभु जिन बातों से बैर रखता है उन बातों को करके, उन कामों को करके हम कभी खुश हो नहीं सकते। और वो चीज़ भी अगर हम पा भी ले तो वो चीज़ें हमारे जीवन में टिकेगी नहीं, वो चली जाएगी। और तीसरा है निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, मतलब झूठ मूठ का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, किसी का खून नहीं बहाना। ऐसे कोई कोई होता है कि बेवजह लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। किसी के साथ लड़ना नहीं है, सबसे मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है। इसलिए प्रभु कहते हैं निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ, इसलिए हमें इन सभी बातों से बच के रहना है। प्रभु जिन चौथा बातों से घृणा करता है, ये है कपटपूर्ण योजना बनाने वाला हृदय। मतलब जो हम दूसरे के पीठ के पीछे योजनाएं बनाते हैं कि हम उसका ये कर देंगे वो कर देंगे, गलत योजनाएं उसके खिलाफ बनाते हैं दूसरों के पीठ के पीछे, लेकिन प्रभु उन सारी चीज़ों से प्रभु सख्त नफरत करता है, बैर रखता है, दूरी बनाए रखता है। अगर हम उन सभी चीज़ों को करें तो हमारे जीवन में भी वैसा ही होगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर हम दूसरों के लिए गंदी गंदी योजनाएं बनाते हैं, उसके खिलाफ गंदे गंदे विचार सोचते हैं, तो ऐसा मेरे लिए भी होगा। इसीलिए हम इन सभी बातों से बचे रहें, क्योंकि प्रभु जिन बातों से बैर रखता है उन बातों को करना हमारे लिए हानिकारक है। और पांचवा है बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर, क्योंकि प्रभु कहता है जो पैर बुराई की ओर बढ़ता है उससे हम बहुत ही बैर रखते हैं, घृणा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हमको वैसे नहीं करना है कि हम बुराई की ओर जा रहे हैं। बुराई की ओर पैर बढ़ना मतलब ऐसे दोस्त होते हैं जो कि हमें बुराई की ओर लेके जाते हैं। ऐसे क्या कहते हैं कि प्रभु उस दोस्ती को ख़त्म कर दो। जो दोस्त अगर तुमको बुराई की ओर लेके जाता है तो उस दोस्ती को ख़त्म कर दो। जहाँ हमें पाप में गिराता है या नशे करवाता है, तो उसी दोस्ती को हमें करने से क्या फ़ायदा जो हमें पाप में गिराता है। इसलिए हम उस दोस्ती को ही ख़त्म कर दें। और छठा है असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी। अगर तुम जो भी साक्षी किए हो तो उसके खिलाफ भी बहुत लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर तुम कोई वादा किए हो तो सच ही बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना है। और सातवां है जिससे प्रभु घृणा करता है, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। जो लोग होते हैं कि आपस में दो भाइयों में, दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं, प्रभु उनसे बहुत ही ज़्यादा घृणा करता है, उनसे दूरी बनाए रखता है। तो ऐसा नहीं करना। अगर किन्हीं दो जनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उन दोनों को हो सके तो मेल मिलाप करा दीजिए, लेकिन उन दोनों के बीच कभी लड़ाई झगड़ा या ऐसे मारपीट उत्पन्न मत करवाइए ताकि उन दोनों के बीच में बैर हो जाए, घृणा हो, वो दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। ऐसा नहीं करना। उन दोनों को आप मिला सकते हैं लेकिन आप उसके बीच में लड़ाई नहीं करा सकते। प्रभु इन सारी बातों से बैर और घृणा करते हैं,
तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया और प्रभु के यह वचन जान के आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिए।